गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,283 पहुंच गया है। इनमें 20,748 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 353 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 182 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 2 मरीज मिले हैं। वहीं कैंट और गोरखनाथ, रामगढ़ताल और राजघाट थाना क्षेत्र में 1-1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें खोराबार में 1, ब्रह्मपुर में 2 और चरगावा में 3 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अन्य थाना क्षेत्र में भी 1 मरीज मिला है। इसकी पुष्टि डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए कहा कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।